400 पार करना है या नहीं करना है। पंकज जी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है। और राहुल बाबा, ये महाराजगंज की भूमि पर मैं कहता हूं, सुन लो, आप 40 भी पार नहीं कर रहे हो, 40 भी पार। और ये दूसरे जयजादे अखिलेश जी, वो भी 4 के अंदर रहने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज मैं एक बात कहकर जाता हूं, 3 तारीख को सब लोग याद कर लेना, 4 को काउंटिंग है, 4 की दोपहर को ये दोनों शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब। घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला एक गमंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव है, और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी है। अरे जोर से बोलो, रामलल्ला तक आवाज जानी चाहिए। बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी राम मंदिर को अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर। भाइयों बहनों, यही समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, सरयू का पानी कार सेवकों के खून से लाल कर दिया था, एक और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, महाराजगंज वालों मुझे बताओ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डलते हैं। आज मैं महाराजगंज की सिब्बलाल सक्सेना की भूमि पर से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। अरे समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले झूठ बोलने में माहिर, अभी ये सहारा रिफंड का मुद्दा उठाते। मुझे बताओ महाराजगंज वालों, इस सहारा का घपला कब हुआ, किसका राज था? अरे अखिलेश, आपकी सरकार में घोटाला हुआ, मोदी जी ने तो रिफंड की शुरुआत की और 3.5 लाख लोगों को रिफंड दिया। आज मेरी बात आप लिख कर रखना, 85 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ का पाई पाई सहारा का हम वापिस करने वाले हैं, वापिस। ये पंकज बाबू को एमपी बना दो, कोऑपरेटिव बेसिस पर 3 जितना बड़ा 1 चीनी मिल हम 1.5 साल के अंदर चालू करेंगे। आपका 1-1 किलो गन्ना चीनी में तब्दील हो, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र, 200 से ज्यादा सीटों पर गया हूं, हर जगह लोग कहते हैं
हमारे सांसद को मंत्री बना दो। पकड़ते हैं कि अमित भाई हमारे सांसद को मंत्री बना दो। अब आपका भाग्य देखिए भाई, आपको बना बनाया मंत्री नर वो खड़े हो जाइए पंकज जी, आप पंकज जी को सांसद बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी महाराज जगन्नाथ। ये पंकज जी देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से, देखने में ऐसे सज्जन दिखते हैं मगर भारी प्राणी है भाई। मैं पर आपको परिचय कराता हूं, जब महाराजगंज की बात आती है मेरे साथ भी झगड़ा कर देते हैं आपके लिए, ऐसा हमारा पंकज भाई है। कि मेरा चुनाव समाप्त हो गया, अगर मेरे क्षेत्र में सुनेंगे तो कहेंगे अमित भाई आप तो निकम में सांसद हो, पंकज जी ने इतना सारा किया, आपने तो कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, बहुत अनुभवी, मेरी पार्टी में सबसे अनुभवी सांसद में से एक हमारे पंकज चौधरी है। दिया लेकर ढूंढोगे ना तो भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा महाराजगंज वालों, गलती मत करना। प्रचंड बहुमत के साथ पंकज जी को जिताकर संसद में भेजिए। बैठिए पंकज जी। भाइयों बहनों, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर मान लो हो गया, ये राहुल बाबा जीत गए तो एक घमंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? जरा बोलो भाई, कोई है? अरे चलो एक एक कर मैं नाम कहता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से ना बोलो भाई, बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश बाबू? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं? अरे क्यों हंसे भाई, बन सकते हैं क्या? इनके पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं। ये पत्रकारों ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन, तो ये कहते हैं बारी बारी पांच साल एक एक जना बनेगा। बोलो भाइयों बहनों, ये परचूरण की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत है, बारी बारी प्रधानमंत्री चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? मुझे जवाब देना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस, बिजली, पानी, शौचालय, खाना कौन पहुंचा सकता है? डालकर ना आए चाय मत पिलाना, वोट डालने के बाद ही घर वाले को चाय पिलाना, ठीक है ना? पंकज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे, आइए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम। आप देख रहे हैं DBS News।